से जैसे कि हम आपको पहले ही कल बताई थे कि बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया 2018 में आसान नहीं है। बिहार टीटी फाइनली आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि कोर्ट के फैसले तक नहीं हो सकेगी नए शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में। कहने का मतलब साफ है कि बिहार टीटी पास अभ्यर्थियों की बहाली 2018 में अब तय है कि नहीं होगा। ये मैं नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है। आप देख सकते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षक नियुक्ति में वैधानिक कठिनाई है और न्यायालय में मामला लंबित है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को है और न्यायालय का फैसला आने तक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। फाइनली आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि जब तक जो है समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के ये मामला 12 जुलाई को फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी। यह प्रश्नकाल के दौरान पूनम पासवान द्वारा कटिहार के कोदा में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा पठन पाठन बाधित न हो इसके लिए सरकार वहां शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का प्रयास करेगी। आप देख सकते हैं कि पठन पाठन बाधित नहीं हो इसके लिए सरकार अतिथि शिक्षकों को बहाल करने जा रही है, लेकिन बिहार में जो अभ्यर्थी बिहार टीटी पास कर चुके हैं उसकी नियुक्ति अब समान काम के बदले समान वेतन को जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है मामला तब तक नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब साफ है कि 12 जुलाई को भी यदि फाइनल सुनवाई नहीं होती है तो 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी।